नमस्कार, मेरा नाम है सुमित लखोटिया और आपका स्वागत है हमारे खास शो कंज्यूमर इज किंग में। सबसे पहले आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आखिर वो दिन जिसका हमें कई दिनों से इंतजार था आ ही गया है, कुछ चंद घंटों में आ ही जाएगा। जी हाँ, कल है दीपावली और दिवाली में पूजा पार्टी और पटाखों के अलावा एक और चीज़ है जिसकी वजह से हम सब इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, गिफ्ट्स का। हमारे यहाँ दिवाली पर सभी एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। दिवाली के दिन अगर गिफ्ट्स में सोन पापड़ी ना आए तो दिवाली अधूरी सी लगती है, लेकिन इस साल ये ट्रेंड थोड़ा बदला सा है। दरअसल कोरोना के बाद इस बार हम पहली बार धूमधाम से दिवाली मनाने वाले हैं, लेकिन कोरोना ने गिफ्ट देने का तरीका बदल दिया है। लोग अब सिर्फ मिठाई गिफ्ट में नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो गिफ्ट के तौर पर उन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है, हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा यूजफुल हो, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही हो और साथ ही साथ थोड़ी अलग सी यानी यूनिक हो। क्या चीजें हैं जो इस फेस्टिव सीजन में लोग गिफ्ट दे रहे हैं, और ये जो हम बात कर रहे हैं कि गिफ्ट देने का तरीका, ये सिर्फ मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में बदला है या छोटे शहरों में भी इस नई सोच ने दस्तक दी है, इन सारी बातों के बारे में हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं भारत मालू, जो कि डायरेक्टर और चीफ टी स्पेशलिस्ट है चाइमी के साथ, और हमारे दूसरे गेस्ट है विमल शर्मा, जो कि फाउंडर, डायरेक्टर और सीईओ है स्मूर के। ये दोनों ही कंपनियां लग्जरी गिफ्ट कैटेगरी में काफी पॉपुलर है। तो चलिए बात शुरू करते हैं, आज की चर्चा, आज का शो शुरू करते हैं। विमल, भारत, बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। विमल, पहले आपसे शुरू करते हैं कि इस फेस्टिव सीजन गिफ्टिंग में कौन से नए ट्रेंड्स देख रहे हैं आप, स्पेशली आपके कैटेगरी में, क्योंकि चॉकलेट्स काफी यूनिक है, मतलब मिठाइयों की वजह क्या लोग चॉकलेट्स अब ज्यादा दे रहे हैं? धन्यवाद, सही बोला आपने। इस साल हमने देखा है दिवाली सीजन में चॉकलेट का जो कंजम्पशन है और सेल्स है काफी ज्यादा है, और हमने वो भी देखा है कैटेगरी में कि इस बार कंज्यूमर्स ज्यादा चॉइस सेलेक्ट कर रहे हैं, जो है डार्क चॉकलेट्स, शुगर, नो एडेड शुगर हो गया, और जैसे वीगन चॉकलेट्स हुआ। So, इस पर ज्यादा इस बार यू नो सेल्स हो रहा है। सो ओवरऑल आई गेस चॉकलेट में हमने लगभग 40% का ग्रोथ देखा है इस साल, और कंज्यूमर्स को पसंद है कि वन डार्क चॉकलेट हेल्थी है और दूसरा नो एडेड शुगर है और वीगन है, जिसमें आजकल का काफी यू नो चर्चा हो रहा है। इसके मुताबिक से हमारा ये साल तक कैटेगरी में इसी तरह हमने देखा है कि सेल्स गिफ्टिंग के लिए कंज्यूमर्स यही सब चूज कर रहे हैं। जी, ये अच्छी पॉइंट आप रेज कर रहे हैं कि लोग अब थोड़ा हेल्दी ऑप्शन, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, हेल्दी ऑप्शन लोग पसंद कर रहे हैं, वीगन ऑप्शन पसंद कर रहे हैं, जो यू नो हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उससे थोड़ा हटकर है। इस पर और भी बात करेंगे शो में, लेकिन मैं भारत से ये पूछना चाहूँगा, आपकी कंपनी चाइमी, आई मीन चाय में नाम में ही चाय है, और इंडिया एक टी लविंग, एक टी ड्रिंकिंग कंट्री है, तो आपने क्या ट्रेंड्स देखे हैं टी बॉक्सेस? मैं जानता हूं कि आपकी कंपनी टी गिफ्ट बॉक्सेस काफ़ी मतलब प्रोड्यूस करती है और लोग काफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं, तो क्या ट्रेंड्स आपने देखे हैं? जी बिल्कुल, हमारी कंपनी काफ़ी टी बॉक्सेस बना रहे हैं और सबसे पॉपुलर बॉक्स उसमें से हेल्थ बॉक्स रहा है। जैसे कि विमल जी ने भी कहा है कि हेल्थ और हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर में फोकस बहुत ज्यादा रहा है, स्पेशली कोरोना के बाद में, और टी इंडस्ट्री में इसको हम फंक्शनल टीज के नाम से बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल है टर्मरिक टी, जिसकी डिमांड पूरे विश्व में तेज रफ्तार से बढ़ गई है अभी। तो ये अच्छी बात है कि ये तो ये, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि लोग, पहले भारत आपसे पूछूंगा और फिर विमल जी आपके पास भी आऊंगा, क्या लोग ओपन है नए एज, ये न्यू एज गिफ्ट्स के लिए? क्योंकि ज़्यादातर लोग, दिवाली का नाम होता है तो हम पारंपरिक आइटम्स ज़्यादा खरीदते हैं, मिठाइयाँ हैं, लड्डू हैं, सोन पापड़ी जैसे मैंने कहा पहले, लेकिन आपको लग रहा है कि अब ये ट्रेंड बढ़ रहा है, ये चलन आ रहा है कि लोग ओपन है अलग अलग किस्म के गिफ्ट्स देने के लिए? भारत, पहले आप कहें और फिर विमल जी आपसे पूछूंगा।
बिल्कुल, ट्रेंड अभी बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, मिठाई अब कम दिखने लगी है दिवाली गिफ्टिंग में स्पेशली। इसका एक और रीजन है कि लोग अलग अलग सिटी से ऑर्डर करते हैं एंड वो चाहते हैं कि हम अपने दूसरे फ्रेंड्स फैमिली को दूसरे सिटीज में भी गिफ्ट पहुंचाएं। तो इसमें जैसे चाय का बॉक्स है उसको शिप करना और पहुंचाना काफी ईजी भी होता है, मिठाई भेजना भी थोड़ा डिफिकल्ट रहा है। लास्टिंग ज्यादा रह जाता है कि जैसे आपने कहा एक शहर से दूसरे शहर भी भेज रहे हैं तो कुछ दिन तक रह जाता है और फिर उसकी लाइफ लंबी है, तो जिसको भी आप तोहफा भेज रहे हैं वो अगर समझिए इस हफ्ते में ना यूज़ करें तो चाय तो फिर भी कई महीनों तक चलती रहेगी। विमल जी आपकी क्या राय है, आप क्या ये देख रहे हैं कि लोग ट्रेडिशनल पारंपरिक गिफ्ट्स से हटकर अब ये थोड़े यूनिक गिफ्ट्स देने के लिए रेडी हैं, ओपन हैं और कर रहे हैं? जरूर सी, दो बिल्कुल इस बार हमने ट्रेंड में क्या देखा है कि सी स्वीट्स इज स्टिल अ वेरी इंडियन पॉपुलर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, सो यू नो वो ऑलवेज यू गोना बी पार्ट ऑफ दी कल्चर, हमारे कल्चर में रहेंगे। हमने इस बार क्या देखा है कि जरूर यू नो एक गुड पॉइंट सर ने बोला था कि हमारे यू नो इस बार अभी भी काफी ऑफिसर्स लॉकडाउन में है और घर पे है, तो गिफ्टिंग ज्यादा कर अभी हम लोग आउट स्टेशन कर रहे हैं, कुरियर वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए चॉकलेट का शेल्फ लाइफ होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है, वो प्रोबेबली आसान है। और दूसरा चीज हमने ये भी देखा है कि इस बार यू नो कंज्यूमर्स यू नो उनको वैरायटीज चाहिए, सो चॉकलेट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द बास्केट वी हैव सीन, और सो यू नो ये चॉकलेट भी ले रहे हैं ज्यादा करके, और वैरायटीज भी उसमें आधा ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स कर रहे हैं और मिठाई भी मिक्स कर रहे हैं। बट इस बार कंज्यूमर्स एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट उनको नहीं चाहिए, तो इस सो ओवरऑल द जो हमारा जो गिफ्टिंग ये साल था वाज बिल्कुल अक्रॉस, आई एम श्योर अक्रॉस एवरी कैटेगरी देयर हैज बीन अ ग्रोथ, यू नो इट्स बीन अ ह्यूज ग्रोथ, बट फंडामेंटली द पॉइंट्स आर करेक्ट कि वन वो उसका शेल्फ लाइफ ज्यादा है, सेकंड इट्स इजिली कुरियरबल, और वन थिंग हमारे ट्रेंड में आया है इस बार इट्स बिकम अ चॉकलेट, अभी सेंसेशन क्या है चॉकलेट में कि इट्स अ स्नैकिंग आइटम, तो ये किस बार भी खा सकते हैं आप, यू नो मॉर्निंग में खा सकते हैं आप, अगर बैठ के काम कर रहे हैं उसमें आप एक बाइट बास ले सकते हैं, या ड्रिंकिंग के लिए चॉकलेट, सो चॉकलेट का जो प्रोडक्ट इटसेल्फ है वो काफी डिफरेंट यू नो वैरायटीज है और काफी डिफरेंट ओकेजन सूट करती है, सो इट इज मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट अक्रॉस मेनी सेक्टर्स, तो इसके कारण हमने देखा है कि चॉकलेट का सेल ज्यादा हुआ। तो ये सही बात है क्योंकि चॉकलेट्स मतलब हर समय खा सकते हैं, जैसे आपने भी कहा सुबह भी खा सकते हैं, दोपहर में, और हर मील के साथ लास्ट में तो चॉकलेट सभी को पसंद आती है, और मतलब लाइट भी है, तो मतलब एक पीस उठा लिया या दो पीस उठा लिया तो भी चलते हुए भी खाते रहते हैं दिन भर। लेकिन विमल जी एक पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स आपके चॉकलेट्स भी देश भर में जा रहे हैं लोग, और जैसे भारत जी ने भी कहा कि एक सिटी में रहकर हम किसी दूसरी सिटी में अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को ये गिफ्ट्स भेज रहे हैं, तो इसमें पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ज़रूरी बात ये हो जाती है कि चलिए टी को तो अच्छे से पैक करके कुरियर में चला जाएगा ठीक है, लेकिन चॉकलेट्स का क्या, अगर चॉकलेट्स कहीं किसी कुरियर वाले ने धूप में रख ली तो क्या, उसे आप कैसे ध्यान में रखते हैं अपने पैकेजिंग में, प्लीज बताइए। सो हमारे जो चॉकलेट है उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है पैकेजिंग, सो पैकेजिंग में हमने काफी रिसर्च R&D किया है, काफी हमने रोड टेस्ट किया है, तो जो पैकेजिंग हम डिवेलप करते हैं वो सब चीज वो फैक्टर करते हैं, हम कूल जेल डालते हैं, हमारे जो हार्ड टॉप बॉक्सेस रहता है वो अधिक प्रकम का थिकनेस रहता है, उसमें हम चॉकलेट पैड्स यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम जो कुरियर बेल्ट बोलते हैं उसको बबल रैप करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम हमारा जो डिस्पैचेस होता है अक्रॉस पैन इंडिया वो 48 आवर्स में डिलीवरी हो जाता है, तो वो सब पैरामीटर्स लेके
हम अपना प्रोडक्ट शिपमेंट करते हैं उसके यू नो इसलिए वो चॉकलेट मेल्ट होने का चांसेस लेस रहता है और कंज्यूमर्स यू नो हाई प्रीमियम चॉकलेट इंजॉय कर सकते हैं। भारत, आपसे भी पूछना चाहूंगा एक जरूरी बात, क्या आपको लग रहा है कि लोग लोकल और सस्टेनेबल ऑप्शंस पसंद कर रहे हैं अब अपने गिफ्टिंग में, और उसमें पैकेजिंग की क्या रोल है? वोकल फॉर लोकल कैंपेन के बाद में कस्टमर्स इंडियन प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को काफी प्रमोट कर रहे हैं। इस बार आप मार्केट में भी देखोगे तो इम्पोर्टेड और चाइनीज खास तरह की प्रोडक्ट्स कम दिखे गए हैं। लोकल और स्टार्टअप ब्रांड्स, छोटे ब्रांड्स को काफी प्रमोशन मिला है सोशल मीडिया के थ्रू। छोटे छोटे ब्रांड्स को रीच काफी अच्छा मिल पाया है। और अगर आप बात करें सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की, तो प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग के ऊपर में बहुत फोकस बढ़ गया है। हम भी चाय में काफी हद तक प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग बना रहे हैं। हम टी बैग्स को भी नायलन से शिफ्ट करके प्लांट बेस्ड टी बैग्स शिफ्ट कर रहे हैं। इसका फोकस अभी कस्टमर्स को और अवेयरनेस भी काफी बढ़ गई है। और भारत जी, जो चाय की बात करें, जैसे पहले प्रश्न आपसे जो मेरा पहला प्रश्न था, तब मैंने भी कहा था कि इंडिया इज अ चाय ड्रिंकिंग कंट्री, अ चाय लविंग, अ टी लविंग कंट्री। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि लोग सिंपल ऑप्शंस ही चूज कर रहे हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हैं? आप भी क्या सिर्फ, जैसे आपने कहा टर्मरिक टी आपने पहले कहा था हमें, क्या वो उसके अलावा क्या लोग अब ओपन है एक्सपेरिमेंटेशन करने में भी, अपने फेवरेट ड्रिंक जो टी है उसमें भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोग क्या तैयार है? टी में जितना एक्सपेरिमेंट हमने देखा है वो हमारे भी एक्सपेक्टेशंस के काफी ऊपर रहा है। हमारे खुद के कंपनी में ओवर 50 डिफरेंट ब्लेंड्स है चाय के जो कस्टमर्स पसंद करते हैं, एंड ये हम कस्टमर्स का फीडबैक लेके ही बनाते हैं। इसमें काफी हर्ब्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स ब्लेंड करके चाय आजकल बनती है। सादी चाय स्पेशली गिफ्टिंग में लोग कम प्रेफर करते हैं। लोगों को थोड़ी अट्रैक्टिव टीज भी चाहिए, जैसे हर्बल ब्लू पी टी, इस तरह की टी अभी काफी चलन में रही है। ये काफी मेमोरेबल हो जाती है मेरे ख्याल से लोगों के लिए जो जिन्हें वो गिफ्ट भेज रहे हैं। विमल जी, आपसे बात एक और करेंगे। जब हम बात कर रहे थे कि गिफ्ट्स एक शहर से दूसरे, एक शहर में ऑर्डर होके दूसरे शहर में डिलीवर हो रहे हैं, आपने भी कहा कि आपके 48 आवर्स का टर्न अराउंड टाइम, मतलब डिलीवरी का टाइम रहता है, तो इसमें कैसे ट्रेंड्स देख रहे हैं आप मेट्रो सिटीज वर्सेस स्मॉलर टाउन, स्मॉलर सिटीज? क्या ये सिर्फ ऑर्डर्स आपको ज़्यादातर मेट्रो सिटीज से ही आ रहे हैं या पूरे भारत से ही लोग अलग अलग ऑर्डर्स दे रहे हैं? हमने कोविड शुरू हुआ था लॉकडाउन के बाद में, हमने देखा है जो हमारा जो ग्रोथ रेवेन्यू जो है थ्रू ऑनलाइन में, टीयर टू सिटीज में काफी ज्यादा डिमांड्स होने लग गया। सो हमने देखा है कि इट्स नॉट ओनली मेन सिटीज में, बट टीयर टू में दे आर यू नो क्वाइट, क्या बोलते हैं कि काफी ज्यादा हमारे इंक्वायरीज आते हैं बेस्ड ऑन द, अगर आप देखते हैं हमारे राजस्थान से, हमारे इफ यू लुक एट कोलकाता, इफ यू लुक एट डाउन साउथ मेनी सिटीज में, तो वहां से हमारा इंक्वायरीज और ऑर्डर्स का डेफिनेटली ग्रोथ हम देख रहे हैं। इट्स प्रोबली ग्रोइंग एट अबाउट 50% से ज्यादा का हमारा ग्रोथ इस सिटी से आना शुरू कर दिया, which हमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उधर यू नो हमें उधर शिफ्ट करना है, अपना स्टोर्स को शुरू करना है। तो डेफिनेटली टीयर टू सिटीज आर स्टार्टिंग टू बी ए गुड बिजनेस फॉर अस। और भारत जी, आपसे भी सेम क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपके ऑर्डर ज़्यादातर मेट्रो सिटी से आ रहे हैं या टीयर टू टाउन से आ रहे हैं, कैसा कैसे गिफ्टिंग अलग है यहाँ? हमारे ऑर्डर्स मेट्रो और टीयर टू दोनों से आते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि मेट्रो सिटी में लग्जरी गिफ्टिंग का चलन ज्यादा है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स का, हाई क्वालिटी यूनिक गिफ्टिंग ज्यादा चलती है। हालांकि टीयर टू सिटी में हम अगर कंपेयर करें तो उसमें यूजफुल और वैल्यू फॉर मनी गिफ्ट ज्यादा चलते हैं, रीयूजेबल प्रोडक्ट्स या रीयूजेबल पैकेजिंग ज्यादा चली जाती है टीयर टू सिटी में। मेट्रो सिटी में सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का भी अवेयरनेस काफी ज्यादा है टीयर टू से। जी,
और विमल जी आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आज तो जैसे छोटी दिवाली है, कल दिवाली है, तो हम आज बात कर रहे हैं लग्जरी गिफ्टिंग की, सीजनल बात है, लेकिन दिवाली के बाद क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, तो क्या आपकी कंपनी कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाती है फेस्टिव सीजन के लिए ही, जैसे कुछ स्पेशल चॉकलेट्स होंगी सिर्फ दिवाली के लिए या न्यू ईयर्स क्रिसमस के लिए, और बाकी पूरे साल में कुछ अलग चॉकलेट्स होंगी, ऐसे भी आप प्रोडक्ट्स तैयार करें, मतलब डिमांड आपको अराउंड द ईयर भी दिख रही है कि सिर्फ फेस्टिव सीजन में ही डिमांड आती है? नहीं, हमारा इस लास्ट हमने 18 महीना से देखा हुआ है कि हमारा जो ग्रोथ है चॉकलेट्स में, इट्स थ्रू आउट एवरी मंथ वी सीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्नैकिंग, ज्यादा से ज्यादा स्नैकिंग में चॉकलेट्स इज नाउ प्रेफर्ड हो गया है। बट आप जब आप यू नो जब ओकेजन बेस्ड रहता है, जैसे हमारे दिवाली में, दिवाली के लिए हम स्पेशल प्रोडक्ट्स भी लेके आते हैं जिसमें हम फ्यूजन करते हैं, हमारे चॉकलेट में हम मिठाई का फ्लेवर लेके आते हैं, जैसे रसमलाई लेके आएंगे, फिर हम केसर का फ्लेवर लेके आते हैं, और इसी तरह हम क्रिसमस के लिए स्पाइसेस लाते हैं, सिनेमन लाते हैं, और हम लोग अपना चॉकलेट एनरोल करते हैं ज्यादा से ज्यादा कुकीज वगैरह में। तो ओकेजन बेस में हम लोग स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जरूर इंट्रोड्यूस करते हैं, वो खाली ओकेजन बेस रहता है। फिर पूरा साल में हमारा प्लान रहता है कि यू नो लॉन्च करते हैं, जैसे हमारा वीगन बाइट्स हो गया, फिर हमारा प्रोटीन चॉकलेट्स हो गया, फिर हमारा जो प्रेलाइन गिफ्ट बॉक्स रहता है, और बास जरा, और नया ट्रेंड है अभी हमने देखा है कि चॉकलेट जिसको हम बाक्स बोलते हैं, जो हम चॉकलेट रोल्स करके उसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स, पम्पकिन सीड्स, काफी यू नो ट्रेल मिक्स वगैरह मिक्स करते हैं, तो उसका भी डिमांड काफी ज्यादा हम देख रहे हैं अगर पिछले साल से। और भारत जी आपसे भी ये पूछना चाहूंगा कि टी में, चाय के प्रोडक्ट्स में भी क्या आप गिफ्टिंग थ्रू आउट द ईयर चल रहा है, और कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं फेस्टिव सीजन के लिए या ओकेजन्स के लिए? क्योंकि इनफैक्ट जो फेस्टिव सीजन त्योहारों की बात, दिवाली क्रिसमस की बात करें तो एक होली की भी बात करें तो ये एक साइड है, दूसरे ओकेजन्स के लिए मदर्स डे, फादर्स डे, रक्षाबंधन, इस सब पर क्या अलग प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं आप, और कैसा डिमांड दिख रहा है आजकल आपको? जी बिल्कुल, हम हर सीजन के लिए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, नए ब्लेंड्स इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप बोल रहे हो क्रिसमस पे, अभी हैलोवीन पे भी था, हमने पम्पकिन स्पाइस लिमिटेड एडिशन ब्लेंड भी लाया था। तो हर सीजन की एक अलग चाय होती है, हर सीजन में एक अलग चाय पी जाती है। जैसे कि विमल जी ने भी कहा है कि विंटर सीजन में स्पाइसेस ज्यादा इंट्रोड्यूस हुए जाते हैं, सिनेमन ब्लेंड ज्यादा पसंद करते हैं लोग, कश्मीरी कावा काफी पसंद करते हैं जिसमें सिनेमन, रोज, सैफरन, ऐसे इंग्रेडिएंट्स ज्यादा पसंद करते हैं। और हम अगर बर्थडेज की ये बात करें तो मदर्स डे, फादर्स डे, इन सब पे भी चाय काफी पॉपुलर होने लगी है आजकल, क्योंकि रेगुलर चाय के अलावा लोगों को गिफ्टिंग में यूनिक प्रोडक्ट्स दिखता है, इसलिए थ्रू आउट द ईयर इसमें गिफ्टिंग सीजन चाय में काफी पॉपुलर है। विमल जी, एक 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 आंकड़ा है, एक स्टेटिस्टिक है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। टेक्नोपैक, जो एक इंडिया की लीडिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, उन्होंने हाल ही में बताया कि उनके हिसाब से जो इंडियन गिफ्टिंग इंडस्ट्री है वो 2.5 लाख करोड़, मींस 2,50,000 करोड़ रुपीज़ की साइज़ है इंडियन गिफ्टिंग इंडस्ट्री की। ऑब्वियसली आपकी क्या राय है इसमें कि ये अच्छा खासा नंबर है, लेकिन इसमें आगे बढ़त दिखेगी या बढ़त अभी कम है, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या है इंडियन गिफ्टिंग इंडस्ट्री की? इंडियन कंज्यूमर्स गिफ्टिंग, आप गिफ्टिंग के कैटेगरी देखेंगे वो एवरी ईयर ग्रोथ डबल डिजिट ग्रोथ में है, और मेरे ख्याल से ये ग्रोथ विल कंटिन्यू, ये चलते रहेगा नेक्स्ट यू नो डबल डिजिट फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, बिकॉज हमारा जो ओकेजन्स होता है भारत में काफी ज्यादा ओकेजन्स होता है, फ्रॉम फादर्स डे होता है, मदर्स डे, रक्षाबंधन, दिवाली, हम सेलिब्रेशन ज्यादा करते हैं, हमें सेलिब्रेशन अच्छा लगता है, तो उसके यू नो अनुसार से तो गिफ्टिंग जो सेगमेंट है जरूर बढ़ेगा।
और मेरे ख्याल से आगे जो नंबर आप बोल रहे हैं इसमें ज्यादातर जो हमारे कैटेगरीज में ये तो प्रोडक्ट बेस्ड है, फिर गिफ्टिंग में आधा कैटेगरीज आता है जो गिफ्ट कार्ड होता है, फिर ऑल्सो व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी ये गिफ्टिंग में आता है। सो अगर आप देखा जाए जो प्रोडक्ट बेस्ड है, जैसे हमारा चॉकलेट है, भारत जी का टी है, वो स्मॉला पोर्शन रहेगा ये अमाउंट इन द ओवरऑल स्कीम। ज्यादातर द गिफ्टिंग जो होता है व्हाइट गुड्स इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें काफी ज्यादा स्पेंड्स होते हैं। भारत जी, एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। आप जो भी गिफ्ट्स बनाते हैं, जो टी बॉक्सेस बनाते हैं, उन्हें यूनिक कैसे बनाते हैं आप? क्योंकि मैं जानता हूं, मतलब जैसे क्रिएटिव पैकेजिंग, जिसके बारे में भी आपने कहा थोड़ी देर पहले, लेकिन पर्सनलाइज्ड नोट्स, इन सब का ख्याल कैसा कैसे रखते हैं आप? क्योंकि अगर मैं किसी को गिफ्ट देना चाहूं, मैं चाहूंगा कि उसे लगे कि मैंने काफ़ी मेहनत की है और मैंने पर्सनलाइज की है उनके लिए। तो वो मतलब ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सबको सेम चीज़ गई है। तो वो कैसे फ़र्क करवाते हैं आप? कस्टमर फीडबैक इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जी हम ओवर द इयर्स कस्टमर्स के फीडबैक देख के, उनके ब्लेंड्स देख के समझ में आता है हमें कि हमें कौन से प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे ट्रेडिशनल एलिमेंट्स भी गिफ्ट बॉक्सेस में हम डालते हैं, हालांकि चाय अंदर न्यू एज है लेकिन ऊपर से बाहर ट्रेडिशनल दिखना चाहिए गिफ्ट बॉक्स, ये दिवाली के लिए हमने सोच रखा था। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पे कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी है जहाँ पे आप अपना यूनिक ब्लेंड बना सकते हो ओवर 50-60 डिफरेंट इंग्रेडिएंट यूज करके। तो ईच टी वुड बी यूनिक टू देयर ओन पर्सनल प्रेफरेंस। आप जो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट या फ्लेवर पसंद करते हो आपके लिए ही वो चाय बना के हम डिलीवर करेंगे। ये किसी के बर्थडे या स्मॉल ओकेजन गिफ्टिंग पे काफी चलता है। इसमें हम पर्सनलाइज नोट, पर्सनलाइज पैकेजिंग, हैंड रिटन नोट्स, ये सारी चीजें भी इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। विमल जी, एक शो में पहले आपने कहा था कि आप ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ऑफलाइन स्टोर्स खोले जाए। तो जहाँ ये आपसे मैं जानना चाहूँगा, जहाँ आजकल लोग सब ई कॉमर्स की बात करते हैं या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदने की बात करते हैं, तो ये ऑफलाइन स्टोर क्यों सोच रहे हैं आप, क्यों इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, क्या चलन देख रहे हैं, क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं आप कंज्यूमर्स की ओर से? हमारा स्ट्रेटेजी जो ऑफलाइन स्टोर्स में हमारा प्रोडक्ट है वो एक्सपीरियंस प्रोडक्ट है, उसमें प्रीमियम है, उसमें कस्टमर्स को टच लुक फील ज्यादा करके जरूरी होता है। हम जो हम अभी डिलीवरी कर रहे हैं, अगर हम ऑफलाइन स्टोर्स ज्यादा करके पूरा इंडिया में खोलेंगे स्ट्रेटेजिकली, हम उसको वो स्टोर को यूज कर सकते हैं एज अ हब अपने डिलीवरीज और गिफ्टिंग सॉल्यूशंस, मच फास्टर कस्टमर को रीच कर सकता है, सेम टाइम कस्टमर का जो इंटरेक्शन है फेस टू फेस। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑफलाइन ऑनलाइन और प्रीमियम नेचर के है, तो इसी तरह हमारा वो स्ट्रेटेजी है कि इसको अगर हम स्केल अप करेंगे, इसको हम इंडिया पेन इंडिया जाना है तो हमें ऑफलाइन गिफ्टिंग स्टोर्स जरूरी है स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, जहाँ इम्पल्स परचेस हो सकता है, जहाँ कस्टमर्स को हम लोग एक्सपीरियंस दे सकते हैं और ग्रोथ हम अपना एक्सपीरियंस थ्रू ऑफलाइन एक्सपीरियंस, हमारा ऑनलाइन बिजनेस भी ज्यादा होता है। और हमारा ज्यादा स्टोर्स ओपन करने से क्या होगा कि हम अपना कस्टमर को एक घंटा 2 घंटे में डिलीवरी कर सकते हैं हैम्पर्स, गिफ्टिंग ऑप्शंस जी, और वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो जो मतलब पूरी ऑनलाइन ना मिल सके। बहुत बढ़िया, बहुत हम विश करेंगे आपको और भारत जी को बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। आज दिवाली के मौके पर भी आपको, आपके पूरी परिवार और टीम को हमारी ओर से दिवाली की शुभकामनाएं। आज के शो में इतना ही। ये थे विमल शर्मा, फाउंडर डायरेक्टर एंड CEO ऑफ स्मूर चॉकलेट्स, और साथ में थे भारत मालू जो कि डायरेक्टर एंड चीफ टी स्पेशलिस्ट है चाय मी के। आज के कंज्यूमर इज किंग में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।